आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप NSDL पेमेंट बैंक में ऑनलाइन एक डिजिटल सेविंग अकाउंट घर बैठे जीरो बैलेंस का कैसे ओपन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तो लगभग सभी के पास रहता है, यानी ये डॉक्यूमेंट्स आपके रहने चाहिए। 18 ईयर कम से कम आपकी एज होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप लाइव करके दिखाऊंगा और इसके साथ ही दिखाऊंगा कि अकाउंट का सेटअप आप कैसे कंप्लीट करके इसके मोबाइल बैंकिंग में आप लॉगिन कर लेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि NSDL पेमेंट बैंक में ऑनलाइन एक डिजिटल सेविंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं। NSDL पेमेंट बैंक में ऑनलाइन जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से NSGFI का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर सर्च करके वहां से भी ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन को यहां पर अलाउ करना होगा। परमिशन जैसे आप अलाउ करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं इनके कुछ फीचर हाईलाइट किए जाएंगे। जैसे यहां पर आपको बैंक का सेविंग अकाउंट तो मिलेगा, इसके साथ ही रिचार्ज बिल पेमेंट की फैसिलिटी मिलेगी, ट्रेडिंग अकाउंट भी आप ओपन करवा सकते हैं, डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए और भी फीचर हाईलाइट किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर परमिशन आप अलाउ करेंगे कॉन्टेक्ट SMS को, यहाँ पर परमिशन आपको अलाउ करना होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS सेंड करेगा और ये वेरीफाई करेगा। और जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, आपके इसी डिवाइस में वो सिम लगा होना चाहिए तभी ये वेरीफाई होगा। अगर वेरीफाई नहीं हो पाता है तो आप NSDL पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, इस नंबर पर आपका SMS सेंड होगा और SMS वेरीफाई होने के बाद आपके सामने देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा क्रिएट प्रोफाइल का। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नीचे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस का पिन कोड डालना है। जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर आपकी सिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आई एम नॉट अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इस पर आप टिक मार्क करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रिएट एम पिन आ गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एम पिन क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम पिन जो आप क्रिएट करेंगे आपका सीक्वेंस नंबर में नहीं होना चाहिए और यहाँ पर 4000 ऐसे नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। एम पिन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा NSDL पेमेंट बैंक एम्प्लॉयज टू यू। यहाँ पर देखिए आपका एम पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको पिन कार्ड का नंबर डालना है। तो यहाँ पर आप अपने पिन कार्ड का नंबर डालेंगे। जैसे आप पिन कार्ड का नंबर डालेंगे तो आपका पिन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फुल KYC 100% ऑनलाइन नो ब्रांच विजिट। यहाँ पर आपको ब्रांच विजिट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आधार की XML फाइल आपको डाउनलोड करके रखनी है, देखिए, और ओपन करनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए आपको फिंगरप्रिंट का यहाँ भी ऑप्शन मिल जाएगा और KYC अपग्रेड करने का भी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे आपके अकाउंट पर। मैक्सिमम बैलेंस आप अपने अकाउंट पर रख सकते हैं। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, परमिशन आप अलाउ करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर टर्म एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने आ जाएगा डू यू हैव आधार XML फाइल। तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्री करेंगे और यहाँ पर अपलोड फ्रॉम डिवाइस मिल जाएगा या फिर जनरेट नाउ मिल जाएगा। अगर आपने फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो जनरेट नाउ पर क्लिक करेंगे और यहीं से आप अपने आधार कार्ड की XML फाइल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालेंगे, उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहता है उस पर OTP सेंड किया जाएगा। देख सकते हैं कि OTP हमारे नंबर पर आ गया, OTP को हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 डिजिट का आपको शेयर कोड डालना है। तो यहाँ पर 4 डिजिट का कोई भी आप शेयर कोड डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर देखिए XML फाइल का कोड मांग रहा है, रिकन्फर्म आपको कोड करना है। यहाँ पर कोड कन्फर्म करेंगे, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपकी XML फाइल डाउनलोड होगी और यहाँ पर अपलोड होगी। उसके बाद यहाँ पर परमिशन आप अलाउ करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी फोटो क्लिक करनी है। तो यहाँ पर योर KYC प्रोसेस इज ऑलमोस्ट डन, प्लीज टेक अ सेल्फी कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अपनी एक सेल्फी फोटो क्लिक करनी है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड पर
जो भी फोटोग्राफ है वही फोटोग्राफ आपकी सेल्फी फोटो में आना चाहिए, यानी सेम मैच आपका करना चाहिए, आपका फेस डिटेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सेल्फी आपका प्रॉपर होना चाहिए, लाइटिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ये सबका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी कुछ पर्सनल डिटेल आपके आधार कार्ड से बाई डिफॉल्ट मैच कर लेगा, जैसे आपका जेंडर, आपका यहाँ पर मटेरियल स्टेटस, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदर डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे फादर या फिर स्पाउस नेम, मदर्स मैडर नेम, इनकम आपको डाल देनी है, आपकी इनकम कितनी है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस आप डाल देंगे, सिंगल या फिर मैरिड, ऑक्यूपेशन मिल जाएगा तो यहाँ से आप ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा नॉमिनी डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल्स कंफर्म करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको नॉम डालना है नॉमिनी का, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, रिलेशनशिप डालना है, और यहाँ पर अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, तो यहाँ पर एड्रेस सेम है तो यहाँ पर प्राइमरी एप्लीकेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, या फिर दूसरा है तो अदर पर क्लिक करके मैनुअली आप एड्रेस फिल करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जीफी एडवांटेज नॉन स्वीप अकाउंट रहेगा, यहाँ पर जीरो बैलेंस का अकाउंट रहेगा, इसके साथ ही आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, स्टैंड आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, 5% का परिणाम आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, फ्री आपको NEFT और UPI ट्रांजेक्शन मिलेंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस अकाउंट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और इसके फीचर आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक्टिवेट स्वैप रहेगा तो यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंसेंट आ जाएगा तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर देखिए आ जाएगा प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा रुपए, और यहाँ पर ये जो डेबिट कार्ड रहेगा एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस मिलेंगे, गेट 2 लाख का आपको यहाँ पर कवर मिलेगा, 20% ऑन जूम कार मिलेगा। व्यू मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो भी NSDL पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड रहेगा, और यहाँ पर जो फीचर वगैरह है यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टर्म एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करना है अपने फॉर्म को तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके बाद टर्म एक्सेप्ट रहेगा, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑथेंटिकेशन करना है, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP सेंड करने के लिए यहाँ पर ऑथेंटिकेट करेगा, तो यहाँ पर जो आपका आधार नंबर है तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, और यहाँ पर अगर आपके पास VID नंबर है तो यहाँ पर VID नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर टर्म एक्सेप्ट करेंगे, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा, OTP आपका 30 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर OTP डालेंगे, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ई साइन कंप्लीट हो जाएगा, और आपके आधार कार्ड पर जो फोटो रहती है फोटो आ जाएगी, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी वगैरह आ जाएगी, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा। यहाँ पर टर्म एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो सक्सेसफुली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन आपको करना है तो यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड या फिर UPI आईडी आपको अपनी सेट करनी पड़ेगी। अकाउंट वेरिफिकेशन टू एक्टिवेट योर अकाउंट वी नीड योर एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको कोई भी एक अपनी UPI आईडी डाल देनी है। वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जैसे आप वैलिडेट कर देंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, या फिर आप UPI आईडी भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटर VPO टू सेंड कलेक्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर आप अपना VPI यानी आप अपना UPI आईडी सेट कर सकते हैं, जिस भी UPI आईडी को बनाना है उसको यहाँ पर आप बना सकते हैं। जैसे हम अपने नाम से यहाँ पर UPI आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपना नाम डालेंगे, और यहाँ पर आप डाल देंगे जैसे NN, और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगर आपको फंड ऐड नहीं करना है तो थोड़ा आप वेट करेंगे और आप लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको दोबारा अपना MPIN डालना है। MPIN जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर NSDL पेमेंट बैंक के मोबाइल ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने पर इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने रहेगा, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, नीचे यहाँ पर आपकी UPI आईडी मिल जाती है, यहीं पर आपको अकाउंट्स का सेक्शन दिखेगा, अकाउंट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट डिटेल आ जाएगा, अकाउंट नंबर, आपका अवेलेबल बैलेंस, कस्टमर आईडी, FSA कोड, यहाँ पर किस तारीख को आपने अकाउंट ओपन किया है, आपका ब्रांच नेम आपका आ जाएगा तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहीं पर फंड योर अकाउंट पर क्लिक करके यहीं से आप अपने अकाउंट पर फंडिंग कर सकते हैं। ब्रांच के थ्रू करना है तो ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं, UPI के थ्रू करना है तो UPI के थ्रू कर सकते हैं। UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आप UPI इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर किसी को पेमेंट कर सकते हैं। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ से आप रिचार्ज और बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर 3 लाइन मिलेगा, इस पर
क्लिक करेंगे, अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा तो अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग पर क्लिक करके यहीं से आप अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे आपको वीडियो केवाईसी के थ्रू अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करानी है तो फुल केवाईसी करा सकते हैं। यहां पर आपको रिफर एंड अर्न का ऑप्शन मिलेगा, यहीं से आप रिफरल से भी पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप NSDL पेमेंट बैंक में ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं। नीले 0 9 4 थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नो टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए एंड टेक केयर।